लखीमपुर के ललित मोहन वाजपेयी जी की बहन की लखनऊ में दहेज हत्या। जून 18 में हुई थी शादी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि योगी जी के शासन में लखनऊ में नहीं हो रही कोई सुनवाई। क्या कोई बेड से फांसी लगा सकता है? परिवार के आने से पहले ही पुलिस ने बॉडी को क्यों छुआ? उम्मीद करते हैं कि लखनऊ के सभी नेता इस परिवार का साथ देंगे और योगी जी तक इस बात को पहुँचाकर उस परिवार को न्याय दिलाएंगे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए लक्ष्मीकांत शुक्ला की रिपोर्ट, लखीमपुर। जनपद बदायूं तहसील दातागंज के थाना हजरतपुर क्षेत्र में खनन माफिया अपनी दबंगई के चलते बाज नहीं आ रहे। क्षेत्र में बह रही भागीरथी माँ गंगा की छाती चीरकर बेढंगे तरीके से खनन करके मोटी कमाई कर रहे हैं। हजरतपुर में पुलिस थाना मौजूद होते हुए भी कोई डर नहीं रह गया। इससे यही मालूम होता है कि पुलिस प्रशासन अनदेखी कर रहा है या फिर खनन माफियाओं के साथ किसी नेता का सहयोग प्राप्त है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए बीरपाल सिंह की रिपोर्ट, हजरतपुर बदायूं। गुर्जर आरक्षण को लेकर दौसा जिले के सिकंदरा में शहीद स्मारक पर गुर्जर समुदाय के द्वारा मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग का नेतृत्व गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनफूल सिंह तुगड़ की देखरेख में किया गया। वहीं गुर्जर आरक्षण को लेकर बनाई जा रही रणनीति तथा समुदाय द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से की गई। राय सिकंदरा में गुर्जर समुदाय के लोगों मलारना डूंगर का आंदोलनकारी गुर्जर नेताओं के संपर्क में है, जिसके चलते कभी भी गुर्जर समुदाय द्वारा सिकंदरा में भी आंदोलन की घोषणा हो सकती है, जिससे नेशनल हाईवे यातायात बाधित हो सकता है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए विष्णु आशीर्वाद की रिपोर्ट, दौसा। लालगंज बाबा का पूर्वा जनपद रायबरेली के पेड़ माफिया रामलखन मौर्य खुले आम अपनी आरा मशीन पर निकट बाईपास रोड सड़क के किनारे आम महुआ आदि पेड़ों की चराई करते रहते हैं। इतना ही नहीं, बेकौफ होकर लकड़ी चीरकर बाजार और मार्केट में अपने मनमाने ढंग से पैसे वसूल कर रहे हैं। यहां तक कि रामलखन मौर्य निवासी उपरोक्त के द्वारा डलमऊ क्षेत्र की तरफ एक पेड़ का परमिट करवाते हैं तो कई हरे भरे पेड़ काट डालते हैं। क्षेत्र में पेड़ों की कटाई होने के कारण पर्यावरण पर काफी गहरा असर पड़ रहा है, जिसके चलते बरसात नहीं होती। अगर शासन प्रशासन द्वारा इन वृक्ष माफियाओं पर अंकुश ना लगाया गया तो आने वाले दिनों में क्षेत्रवासियों का जीना मुश्किल हो जाएगा। वहीं जब रामलखन मौर्य से इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की गई तो वह कुछ भी बताने से पहले आरा मशीन बंद करके भाग गए। साथ ही वहां के लेबर भी कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। यहां के रेंजर वन विभाग वाले आंखें बंद करके ऑफिस आके कुर्सी तोड़ा कर, और यहां के लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा वृक्ष लगाओ अभियान चलाया जाता है, लेकिन यहां पर जिले से लेकर तहसील लालगंज तक के अधिकारियों और वृक्ष माफियाओं खुले आम हरे भरे पेड़ कटाई अभियान चलाया जा रहा है। वैसे तो पेड़ हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में चर्चा करें यह जरूरी नहीं है कि आज के जमाने में भी सभी लोगों को जानकारी है कि वृक्ष जीवन से जुड़ी कहानी, पेड़ हमारे जीवन में उतने ही उपयोगी हैं जितना कि खाना और पानी। पर्यावरण के साथ साथ जीवन शैली व गंभीर बीमारियों से इन पेड़ पौधों की वजह से बचा जा सकता है, लेकिन वृक्ष माफिया लगातार पेड़ों की कटाई जोरों शोरों से चला रहे हैं, जिसमें हरे भरे पेड़ कटते जा रहे हैं उसका खामियाजा हम सभी लोगों को भोगना पड़ रहा है। या यूं कह सकते हैं कि पेड़ न होने की वजह से आए दिन मौसम के मिजाज में परिवर्तन साफ नजर आ रहा है। इसका मुख्य कारण कि वृक्षों की भारी मात्रा में कटाई। अगर इस पर जल्दी रोकथाम नहीं लगाई गई तो वह दिन दूर नहीं जब तक कि हमारे साथ खिलवाड़ ये प्रकृति करेगी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए राजेश कुमार मौर्य की रिपोर्ट, लालगंज रायबरेली। स्थानीय राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के दोबारा तलाई वाले बालाजी के मंदिर में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बालकों के दोबारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। साथ ही प्रधानाचार्य उमेश दत्त शर्मा ने बताया कि बेटियां घर का गौरव है। इस मौके पर सरपंच रामकृष्ण मीणा ने बालिकाओं को उपहार के रूप में पेन वितरित किए। आयुर्वेद कंपा मदन लाल मीना अध्यापिका पूजा अरुणा सुमन एवं सभी स्थानीय विद्यालय के अध्यापक उपस्थित रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए करण की रिपोर्ट, जटवाड़ा। रामविलास पुत्र मोहनलाल फतेहपुर थाना अतरौली जिला हरदोई में 30 लीटर के समीप कच्ची शराब बनाते हुए पकड़े गए। साथ ही उदय राम पुत्र चंडिका रसूल लावा शराब बनाते हुए पकड़े गए, जिनके पास से 10 लीटर शराब बरामद हुई। वहीं बाकी लाल पुत्र लेखन बानपुर थाना 10 लीटर शराब बनाते हुए गिरफ्तार किए गए। ओपी तिवारी ने 8 तारीख को इन तीनों जगहों पर छापेमारी कर कुल 50 लीटर कच्ची शराब बरामद। ओपी तिवारी का कहना है कि क्षेत्र में गलत काम नहीं होगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए आर के सिंह की रिपोर्ट, अतरौली हरदोई।
जेलों में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे कैदियों की समय पूर्व रिहाई को लेकर प्रदेश सरकार ने अपनी नीति घोषित की थी, जिसके तहत सेंट्रल जेल फतेहगढ़ में निरुद्ध 16 वर्ष से अधिक सजा काट रहे 35 बंदियों की रिहाई कर दिया गया। सेंट्रल जेल में बंद सजा याफ्ता कुल बंदियों से 360 बंदी वह निकले जिन्हें शासन की नीति के हिसाब से रिहाई मिलनी है। 360 सिद्ध दोष बंदियों की सूची शासन को भेजी गई थी, जिसमें से पहले चरण में फिलहाल 35 बंदियों को रिहा कर दिया गया, जिनकी उम्र अधिक होने के साथ जेल के अंदर रहते हुए 16 वर्ष गुजार दिए वह किसी प्रकार से किसी से झगड़ा आदि नहीं करते। जिस समय जेल के बाहर खुली हवा में निकले तो अपने परिजनों को देखते ही उनके गले मिलकर भावुक हो गए। कुछ कैदियों को 26 साल से अधिक समय जेल में गुजारने के बाद निकले तो उनका पूरा परिवार ही खत्म हो चुका था। वह जेल में बता रहे थे कि वैसे मेरा बाहर कोई रोने वाला नहीं है, जो जेल में रहकर कारीगरी सीखिए उसी के सहारे अपना जीवन यापन करेंगे। जेल अधीक्षक ने बताया कि यहां से लिस्ट तो लगभग 3 सैकड़ा कैदियों की भेजी गई थी, लेकिन शासन ने सिर्फ 35 कैदियों को रिहा करने के आदेश प्राप्त किए हैं, उसी के चलते इनको छोड़ा गया है। जैसे आगे और कैदियों को छोड़ने के आदेश प्राप्त होंगे तो उनको भी जेल से रिहा कर दिया जाएगा। प्रदीप जी, आज आप जेल जिला सेंट्रल जेल से यहां से रिहा हो रहे हैं, कैसा लग रहा है और किस वजह आप आगे किस तरीके से जीवन व्यतीत करेंगे? पहले ही अच्छा करते थे, आज भी अच्छा करते हैं। कितने साल बाद छोड़े जा रहे हैं? 22 साल। 22 साल बाद कहाँ के रहने वाले हैं? मैनपुरी। मैनपुरी किस वजह से बंद हो गए थे? 302 का केस था। 302 का। आज कैसा खुशी महसूस हो रही है? बिल्कुल। परिवार के लोग आपके हैं सभी? सब है। आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं क्या? खुशी के आंसू? अच्छा लग रहा है। रामेश्वर भैया, कितने साल बाद जेल से छोड़ा जा रहे हो? 15 साल बाद। हाँ। कैसा लग रहा है आज? पता कर रहे हैं कि कहाँ के रहने वाले हो? भदोही जिला। क्या गांव का क्या नाम है? कैसापुर मंजरा सैती। थाना? थाना सांडे। अच्छा, अब आगे कैसा जीवन आप काटेंगे, कैसा लग रहा है? अब ऐसे अब जाता हमें जानते हैं। अच्छा, कुल मिला के आपका जो नाम लिस्ट में आया इससे खुश हैं आप? अब बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जीवन दे दिया। क्या नाम है आपका? अच्छा, जीवन दे दिया। में आप यहाँ आए थे कितने साल? आपको लग रहा था कि हम छोड़ा जाएंगे कभी? पहले कभी ऐसा हुआ? कही थे आजीवन का आजीवन हमें कही थे महसूस होता था कि छोड़े जाएंगे। अच्छा, हजारों आदमी मर गए हमारे घर। तो मतलब जो सरकार है, सरकार ने आपके साथ बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, आप बहुत कोई बाकी नहीं रखी पहले की सरकारें जो रही उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। कोई नहीं अखिलेश ने थोड़ा थोड़ा चलाई है। तो कुल मिला के सरकार का धन्यवाद देंगे आप? धन्यवाद। फूलमाला। आप किसको छुड़ाने आई हैं यहाँ पर? पापा जी को। कितने साल बाद ये छूटे हैं? 17 साल। आज अचानक मिलने के बाद आंसू आ गए क्या? बहुत खुशी हुई, मेरे पापा मुझे मिल गए। किस जुर्म में? अब आगे क्या सोचा भाई साहब? क्या सोचेंगे, जैसे जिंदगी बीतेगी। अब का नाम है तुम्हारा? सुनील। सुनील, कई साल बाद छूटे आप सेंट्रल जेल से? 25-26 साल। कौन सी धारा में बंद थे? 302। कैसा लग रहा है आज? अच्छा है? अच्छा, परिवार आज आपका साथ में है? सब जिंदगी खराब हो गई। अच्छा, अब कोई नहीं है बार। परिवार में कोई है नहीं है? हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? कानपुर के। कानपुर के। तो घर से कोई आया कि नहीं आया? कोई नहीं था, कभी नहीं आया। कभी नहीं आया? नहीं। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? हम कई पेंटी एंटी कर लेंगे। है? पेंटिंग एंटिंग कर लेंगे। अच्छा, पेंटर बिल्डिंगों की पेंटिंग करते हो? हाँ। तो आपका घर मकान नहीं है? है नहीं। तो ये सब सामान हमारे लिए हम बंदी भाई लोग जो है मदद कर देते थे थोड़ा बहुत। जब कभी खेलते वहाँ पर जाते तो खाने पीने के भेज देते थे, और कोई सहारा नहीं था। उन्हीं का दिया हुआ हमारे पास जो कुछ है वही है। पीछे थोड़ा जगह ले। TV1 इंडिया न्यूज के लिए विनय यादव की रिपोर्ट, फरुखाबाद।